थैंक यू। आज जिनके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है उनको सर्वप्रथम वंदन करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी, उनके नाम से ही शुरू करते हैं वार्तालाप। विवेकानंद, विवेक और आनंद, ये दो वर्ड्स उनके नाम में शामिल है। और मतलब क्या है, विवेक क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? विवेक को हम इंग्लिश में कहेंगे रीजनिंग, है ना, रीजनिंग, तर्क हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और विवेक का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा संभल के कोई डिसीजन ले, ना कि इंपल्सिव बनकर कोई डिसीजन ले। तो इसलिए विवेक, रीजनिंग, रीजनेबल रहना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरा उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ वर्ड जो है वो है आनंद। जीवन में आनंद नहीं है तो ना आपका जीवन सक्सेसफुल है, यशस्वी है, ना आप किसी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यदि आपको जीवन को बहुत अच्छे से यापन करना है, उसका जीवन यापन करना है, तो आपको दोनों ही चीजों पर एक बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा कि यू हैव टू बी रीजनेबल एज वेल एज यू हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस, है ना। एंड बीइंग फ्रॉम साइकोलॉजी, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हैप्पीनेस कैन बी योर चॉइस, हैप्पीनेस इज ऑलवेज योर चॉइस। तो आप चूज करें आनंद को अपने जीवन में। हाँ, सिर्फ अपने ही आनंद के बारे में काम करेंगे तो आप लोग स्वार्थी कहलाओगे, आप दूसरों के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करने वाले बने। ये आज के दिन का मुझे लगता है सबसे, उनके नाम से हम यदि प्रेरणा लेते हैं तो बहुत कुछ बातें हमेशा ही करनी होती है। थोड़ा सा पथनाट्य के बारे में भी कहना चाहूंगी। हम लोग चिल्ला सकते हैं क्या, जोर से चिल्ला सकते हैं क्या? आप लोग थोड़ा सा घर में कभी झगड़ा जब होता है तब आपका जो वॉइस होता है, जो टोन होता है, क्या आपका वो टीचर के साथ बात करते हुए या कोई असाइनमेंट जब आप कर रहे हैं तब वही आपका रेंज, आपकी रेंज होती है वॉइस की? शायद सर लोग आपको बताएंगे कि वॉइस कल्चर क्या है, आपके वॉइस का मॉड्यूलेशन कैसे होना चाहिए, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और पथनाट्य करते वक्त आपका मराठी मध्ये म्हणतो की सूर लागला पाहिजे, स्वर लागला पाहिजे, म्हणजे आपका, आपकी जो आवाज है उसका उपयोग आपको सही ढंग से करना आना चाहिए। मैं कभी कभी अभिवाचन कर लेती हूँ तो अभिवाचन करते वक्त हमारे जो ट्रेनर्स थे तो उन्होंने हमें बताया कि माइक बिना लिए आपको बिल्कुल परफॉर्म करना है, तब जाके आपका वॉइस का जो खुलापन है वो आएगा सामने। तो यहाँ पर तो मैं माइक लेके बात कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, आप तक सभी तक पहुंचना है। और मुझे आज वो वॉइस नहीं लगा सकती जो मैं पथनाट्य में लगा सकती हूँ। एनीवे, पथनाट्य इज एक मेथड सोशल वर्कर्स के लिए, जैसे आपने कहा कि सोशल इश्यूज पर भाष्य करना ये आसान बात नहीं होती, उसके लिए धाड़स लगता है, उसके लिए ग्रुप लगता है। और ग्रुप जब मोबिलाइज करता है किसी को तो समूह का समूह प्रेरित हो सकता है। इसमें जो ताकत है वो शायद आप नहीं जानते। When you go in village camps, जो हमारे विलेज कैंप से आ चुके हैं लोग, उनको शायद पता है कि एक प्रभात फेरी भी निकलती है। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जब मॉर्निंग वॉक नहीं कहेंगे उसको, कि मॉर्निंग मार्च कहेंगे, प्रभात फेरी जब होती है आपकी, तो आप कितना मोटिवेट करते हो वहाँ के विलेजर्स को। और पथनाट्य उसमें जब आप लाते हो तो जैसे सर ने कहा कि वो सीन एक आपका जो होता है उसमें ड्रामेटाइजेशन करके आप लोगों की भावनाओं को हार्ट उसको उभारते हो या उसको आप अपील करते हो, इंग्लिश में कहना चाहिए तो इस तरह से लोगों की भावनाओं को हमें अपील करना है। भावनाओं को क्यों अपील करना है? क्योंकि बिहेवियर के तीन हिस्से हैं, हमारे ह्यूमन बिहेवियर के तीन हिस्से हैं, जिसमें हम थिंकिंग एक पार्ट है, सोचना, हमारी सोच, बिहेवियर, ये जो है इट्स अ रिजल्ट ऑफ अवर कॉग्निशन, है ना, कॉग्निशन, बिलीफ सिस्टम्स, हमारी बिलीफ सिस्टम्स क्या है। और तीसरा है हमारी इमोशंस। और ये तीनों को, एटीट्यूड्स का हम एनालाइज करते हैं तो आपको ये तीनों पे काम करना है। और जनमत जब बनाना है, आप पब्लिक ओपिनियन पर काम करने वाले लोग हैं, सोशल वर्कर्स आर सपोज टू वर्क ऑन पब्लिक ओपिनियन। तो ये पब्लिक ओपिनियन आपको यदि बनाना है या बदलना भी है तो आपको ये तीनों पर काम करना होगा। उसमें आपका कंटेंट क्या है, आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कौन से विचार आप प्रेरित कर रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं, वो देखना होगा। उसी के साथ, उसके साथ जुड़ी हुई बिलीफ सिस्टम या उसके साथ जुड़ी हुई श्रद्धाएं या उनकी सोच क्या है, उनकी अप्रोचेस, उनके दृष्टिकोण क्या है, श्रद्धाएं या अंधश्रद्धाएं क्या है, वो आपको देखना होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इमोशंस।
और ये इमोशंस पे जब आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन को गवर्न करने का। सो एक पावरफुल मीडिया आपको आज एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है। आई एम हैप्पी दैट एन एसोसिएट हैज टेकन इट अप और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, और खास करके विलेज कैंप के पहले है ये बहुत सराहनीय है, आप आगे जाकर के काम कर सकते हैं। जाह्नवी आज यहाँ पर है, जाह्नवी के लिए मुझे बार लगता है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जाह्नवी करता कि तीन ही अत्ता एक कंपटीशन अभी गाने की उसने उसमें उसका प्रथम फर्स्ट प्राइज मिला है। तो कल्चरल ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, चाहे वो गाना हो चाहे कुछ भी हो, पोएट्री हो। सो संगीत नाट्य कला विहीन साक्षात पशु ऐसे कहा है, तो हम लोग तो उस कैटेगरी में नहीं जाएंगे, हम तो व्यक्ति है, एक पर्सन है, और हमारी जो इच्छा है उसको लेकर के हम काम करने वाले हैं। और मैं बहुत खुशी मुझे लगती है होती है कि जब प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़ते हैं। आपको लगता होगा कि पथनाट्यम हम भी कर लेंगे, लेकिन पथनाट्य का भी ट्रेनिंग हो सकता है, उसमें भी एक वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर जब व्यक्ति सामने आती है तो उसकी तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी हैव टू प्रोफेशनल्स लाइक सारंग सर एंड जय सर कि हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने थिएटर नॉट जस्ट लाइक उनका ऑप्शन या उनका हॉबी करके नहीं लिया है, उन्होंने उसको एक पैशन करके लिया है, एक प्रोफेशन करके लिया है। तो आप जरूर उनसे प्रेरित हो, ये शुभकामनाएं आपके लिए, और आज का दिन चुनने के लिए एनएसएस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत अभिनंदन कि एक यूथफुल एक विचार देने का आज का जो दिन होता है उस दिन आपके लिए ये वर्कशॉप स्किल लैब उन्होंने अरेंज की है। दिस इज अ स्किल लैब फॉर यू, सो लर्न एंड मेक मोस्ट ऑफ इट। आपको ये एक्सपीरियंस यादगार रहेगा ये मुझे पता है। आपके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, नए साल की शुरुआत हो रही है, ऑनलाइन प्रोग्राम आपके लिए यादगार रहेगा ऐसे मुझे लगता है। सबको शुभेच्छाएं नए साल की, और आगे आप ये जो एड्स नियंत्रण और प्रतिबंध कक्ष इनके लिए भी आज का दिन हम एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटीज है उनके लिए, और हमारा आज का जो पथनाट्य शायद है उन्होंने भी सर यहाँ का सीम्स का जो हॉस्पिटल है वहां पे उन्होंने ये दिखाया था, पथनाट्य उन्होंने किया था, वेरी शॉर्ट इंटीमेशन, एक दिन पहले उनको पता था कि उनको पथनाट्य करना है, and I'm glad that हमारे टीम ने वहां जाकर परफॉर्म किया था। So you have potential, सभी स्टूडेंट्स में ये हुनर है, सभी स्टूडेंट्स में ये क्षमता है, आप उसको एक्सप्लोर करो और खुद को भी और अच्छे से निखारो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।